बड़ी सुंदर बातें मैं आपको बता दूं। विवाह जब होता है तो पहले क्या चढ़ता है? तिलक। अब बड़ी विचित्र बात, तिलक चढ़ता है। पंडित जी सोचते हैं पढ़ेंगे, वो सोचते हैं नहीं, इंद्रो भी दशरवा सोचते हैं, नपुंसक विश्व वेदा सोचते हैं, तार छायो अरिष्ट देवी। अब तिलक दिया जाएगा लड़की का। अच्छा एक बात बताओ, तिलक चढ़ता है, लोग कहते हैं तिलक चढ़ता है। अच्छा आप बताओ, कोई कहता है कि मोटरसाइकिल चढ़ता है, लेकिन मोटरसाइकिल चढ़ गया। कोई कहता है कि 5 लाख रुपया चढ़ गया, क्या कहते हैं लोग, तिलक चढ़ रहा। अच्छा तिलक चढ़ने का अर्थ क्या होगा? तिलक चढ़ने का अर्थ होता है कि आज से आप दूसरे को हो रहे हो। जब हमारे हम लोगों के हमारा गोत्र अचित गोत्र हो गया, अब तुम भगवान के गोत्र में चले गए, अब तुम्हारा इस संसार से कोई रिश्ता नाता नहीं। तो कहाँ चढ़ता है? सर पे। मोटरसाइकिल सर पे चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा बोलो तो? तिलक चढ़ जाए तो तिलक। इसी को संस्कृत में कहते हैं त्रैल। लक माने भाग, तिल माने दिन, और इसी को अंग्रेजी में कहते हैं थ्रिल। आप विचार कर, अरे भाई उसका लक खुल गया, बड़ी लकी आ गया है, उसका लक खुल गया, ये इसको कहते हैं थ्रिल। तो तिलक चढ़ता है साहब, तिलक कहाँ चढ़ता है? सर पे। अच्छा जो मोटरसाइकिल मिला है वो सर पे चढ़ जाए तो क्या गति होगा? चढ़ेगा? 10 लाख जो तिलक मिला है, पैसा मिला है, वो 10 लाख जो कपार पर रह जाए तो क्या होगा? उल्टा विपरीत। इसलिए भगवान का तिलक चढ़ता है कि आज से आप दूसरे को हो रहे हो। अभी तक संसार के नहीं थे, अब संसार के, इसलिए वह श्रेष्ठ कहा जाता है। बरनी के करो बरनी करके, बरनी के नहीं बरनी के बिना, और शरणीक करो शरणीक करके, शरणीक नहीं शरणीक के बिना। और शरीर सर की शोभा तब है मेरे भाई बहन, जब ये सर अपने से बड़ों के चरणों में झुक जाए, अपने माता पिता के चरणों में झुक जाए, बहू का सर सास ससुर के चरणों में झुक जाए, तब यह सर श्रेष्ठ है, नहीं तो